رمضان اقبل فالقلوب مريضة والنور امسى خافتا بكياني قل لي متى ياتي الصباح بنوره ومتى متى ننصح للاحسان. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وفي روايه وكل ضلاله في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي بلوا الى قومهم منذرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. रबिस राहली सदरी वरली अमरी वहलदत मिलसैनी यफ़हु कौली उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा, जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं वलोअमाफिल من मिन سبعه ابحر ما मुमबादी كلمات الله अबहरमैनफीदत ذات اقدس पर करोड़ों सलाम हो

वाजिब्लाम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ साथियों लायक अहतराम माओ और बहनों सरत ख़ाता नबीन सल्ला वसम के तीस अहम तरीन वाक़ियात जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे ये सिलसिला जारी व सारी है गुज्त का मजमून मैंने आप लोगों को जहाँ छोड़ा था वहीं से बिला किसी तमहीद और मुकदमे के शुरू कर रहा हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया हबशा की तरफ तो लोग वहाँ पर गए फिर एक वाकिया ऐसा हुआ जिससे गलत फ़हमी हुई कि मुश्रकी ने मक्का इस्लाम कबूल कर लिए तो बाज़ वापस आए ये सन पाँच नबुवत रजब के महीने में हुआ है फिर इसके बाद इसी साल के अवाखिर में दोबारा हिजरत हबशा हुई जिसे दूसरी हिजरत हबशा कहते हैं सरत निगार जब यहाँ पर पहुँचे तो फिर ने मक्का ने हजरत अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया के ज़रिए कोशिश की कि वापस लाएं लेकिन ये नाकाम और नामुराद वापस आ गए फिर सातवां साल शुरू हो गया अवाएल सन सात नबवी के अंदर सबसे अहम तरीन मरहला इन लोगों को ये था मुशरकिन मक्का को कि कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोका जाए दिन दिन बढ़ती जा रही थी जैसा कि रब्बुल आलमीन ने आखिरी में फरमा दिया फते मक्का के मौके पर कुल जाल हक वजह बातिल जब हक आएगा तो बातिल चला ही जाएगा और इन्नल बातिल काना जहू का बातिल है ही असल में क्या है कमज़ोर और जाने वाला वो देर पानी जब तक हक नहीं उठेगा ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया में बातिल ही बातिल है लेकिन अगर सही हकीकत के तौर पर हक नाफिज हो जाएगा ना फिर बातिल ऐसे उड़ जाएगा जैसे क्या होता है कभी कभी हम देखते हैं कि धुएं से पूरी पूरा एरिया कवर हो गया है लेकिन जैसे ही हवा चली धुआं उतरा तो मालूम होता है कि कभी यहां धुआं था ही नहीं बातिल धुएं जैसा है या मकड़ी के जाले जैसा है तो ये तो जाना ही है अल्लाह के वसल्लम की सात साल नबवी जिंदगी में इन लोगों के अजीब और गरीब ऐसे ऐसी अजियतें कि सुनते हैं तो हमें सोचना पड़ता है क्या इंसान इतनी अजीयत के बावजूद भी ज़िंदा रहा हालांकि रहे और ये फैलता रहा हर दिन कोई ना कोई मुसलमान होते रहे यहां तक कि मैंने बताया कि सन नबूवत के छठे साल हज़रत हमज़ा भी इस्लाम कबूल कर लिए रजील उमर ब इस्लाम कबूल कर लिए अब काफिर और मुशरक़ तिल मिला के रह गए खरें तो क्या करें कैसे करें अब उन्होंने क्या किया कि क्यों ना घर से ही बात शुरू की जाए एक अजीब तदबीर जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं की होगी उन्होंने सोचा कि सरपरस्त कौन है इनके अबू तालिब है चचा हैं और इस्लाम कबूल नहीं किए यह भी मालूम है और खास तौर पर अबू लहब चचा होने के बावजूद नंबर एक दुश्मन तो वो खुरैश ने कहा कि क्यों ना इन्हीं से बात कर लिया जाए हम जाएं कहें कि भाई अपने घर का लड़का है रोको ऐसा ही ना करते यही हालात आप सीरत पड़े बिल्कुल आपको नजर आएगा कोई बच्चा क्या है नौजवानी में सुधर गया पहले थिएटर जाता था अम्मा भी पूछते नहीं थे बाबा भी पूछते नहीं थे अभी रात को एक घंटे को आया तो गर्म कर को अवन में खाना रखते थे नहीं बेटा आज जल्दी आ जाओ इतना लेट है तो कैसा भाठ ठंडा खाना खाओ ना खो मैं तुम ना गर्म कर को दे दूकें पिक्चर से आया था वही मस्जिद से आया मरकज से जुड़ा काम में अरे बाद में पकड़ लेको चल जाएंगे बाहर गिर जाना को तू नहीं सुना बोलो सीधा क्या करते बावा करने चाहता उन्हें ले ले को भाई तुम्हारा बच्चा देखो भाई वहां जा ले को कल के दिन पकड़ ले कल ले, ले चले गए तो हमने पूछना नहीं अब बाबा सोचता आह ये कह रहे बच्चे को इंजीनियर बनाना वो को था मैं डॉक्टर बनाना बोल को था इन्हें देखे तो क्या है दिन दिन बोलता इस्लाम इस्लाम बोलता है अरे ये बराबर नहीं होगा क्या तभी करना है इसे जमाल घुट्टा देखो क्या कर डालता लूस मोशन कर को रखने ले चल जाता वैसे बाद में ऐसे भी बाज लोग हैं मैंने सुना है बच्चे को क्या करे चाय की में दवा में जमाल घुट्टा डाल दे डाले सुबह को इन्हें जाना था मस्जिद में काम था इसे हाँ लूज मोशन ऐसे लगे कि पड़गा उन्हें बिस्तर को गया अश्ली अम्मा बाबा खुश पा चलो भला गई बा बच्चा महफूज होगा नहीं तो पकड़ ले चल जाते इसे ऐसे ही काम अगर आप करो ना दीन का सबसे पहले आड़े आने वाले माँ बाप हैं कई माँ बाप हैं हर एक को नहीं बोलता हूं मैं और लोग भी यही सोचते कि क्यों ना घर से ही इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्या कर दे रेमेडी निकाल लें यही बदब खुरैज भी सोचे उन्होंने कहा कि अबू तालिब की जेर सरपरस्ती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू तालिब बहुत एहसानात किए हैं इन पर हाँ आठ साल दो महीने दस दिन की उम्र थी दादा फोत हुए और आज क्या है तकरीबन पैंतालीस साल की उम्र हो गई और ये सरपरस्ती करते रहे हैं इनके बड़े एहसानात हैं अगर इनको हम पकड़ेंगे दबाव डालेंगे तो शायद ये अपने भतीजे को रोक देंगे और मसला खत्म हो जाएगा तो सीधे आए अबू तालिब के पास कहा कि आपका भतीजा जो कुछ कर रहा है वो आपको मालूम है ना कहा कि हाँ मालूम है तो आप क्यों नहीं पहले हाथ रोक देते उस आप ही खुद डांट देते आप ही खुद कह देते कि बेटा ये सब नहीं चलेगा पूरा कुरैश दुश्मन हो जाएगा हमारा ये ला इलाह इला की दावत छोड़ दो हाँ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो हाँ हम कहते हैं ना जी जैसे हालात हैं वैसे रहो भाई ये क्या तुम हालात के बिल्कुल मुखालिफ जा रहे हो वो सब होंगे क्या आज के ज़माने में सब बोले तो मानेंगे क्या यही हालत थी वहां पर भी ये सरदारा ने सरदारानुरैश भी यही चाहते थे कि हालात क्यों बदल रहे हैं क्यों एक अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं क्यों बुतों की पूजा पाठ छोड़ दिए क्यों ये एक अल्लाह की वहदानियत की दावत कबूल कर रहे हैं और इसके सबसे अहम तरीन फर्द खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो इनके हाथ को आप खुद रोक दीजिए उन्होंने कहा कि अच्छी बात है मैं भी कोशिश करता हूं आप लोगों का इतना दबाव है हालांकि मैं नहीं चाहता मेरे भतीजे को मैं कुछ कहूं क्योंकि बड़ा मुझे बड़ा प्यार है अपने भतीजे से अपने बच्चों से भी ज्यादा मैं चाहता हूं और वो जो कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि वो करते रहें वो गलत नहीं कर रहे हैं कोई कोई गलत काम का हुक्म नहीं दे रहे हैं कोई बुराई का हुक्म नहीं दे रहे हैं लेकिन तुम्हारा दबाव है तो मैं खुद बुलाता हूँ एक मरतबा अबू तालिब बैठे हुए थे अल्लाह के रसूल सल वसल्लम को बुला भेजा अल्लाह के रसूल सल्ला वसल्लम आए तो अबू तालिब ने कहा कि बेटा ये देखो ये हमारे मक्के के बड़े बड़े सरदार हैं ये सब आए हुए हैं तुम्हारी शिकायत लेकर ऐसा ही नहीं जो होता बड़े लोग जब शिकायत करने के लिए आते तो बाप क्या करता बेटे को बुला के बोलता वाह मई नहीं बोल रहा हूँ इन लगा बोल रही कम अज कम रुक जाबा ना नकोबा करना को बाना बा, को बाहर सब मरकज बोल को बाद में पकड़ ले चले जाएगा तो परेशानी में पड़ जाऊंगा वा तुम ऐ बिल्कुल ऐसे ही मामलात जैसे हमारे अपने मामला होते हैं हा? तो अबू तालिब ने कहा कि बेटा देखो ये पूरे बड़े बड़े सरदार हैं मक्के के जो आके बैठे हुए और इन सब की शिकायत एक है कि तुम हमारे बुतों को गालियां देते और तो इस को क्यों बोला हालांकि एक गाली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी हाँ फिर गालियां किसे बोले ये बड़ा पॉइंट है नोट नोट करने के काबिल पॉइंट है, हाँ एक गाली भी के ने उन बुतों को नहीं दिया हत्या के कुरान में खुद मना है गाली मत दो दूसरों के इलाह को हाँ वाला बिगैर इल्म गाली दोगे तो ये ना हिंजार काफिर मुशरिक क्या करेंगे अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के इस वास्ते तुम इनके इलाह को गाली मत दो तो अल्लाह के रसूल कैसे गाली दे फिर ये लोग गाली क्यों कहा क्यों बुरा भला कहा उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि उन्होंने कहा कि आपका भतीजा हमारे बुतों को गाली देता है जरा बताओ हाँ ठंडा ठंडा बैठे ना जरा दिमाग भी क्या है इस्तेमाल खाली बैठते हैं अच्छा है भाई वो तो बैठ को जाएंगे एक घंटा कहाँ आ जाता होटल में बैठे तो यहां बैठेंगे ऐसा भी तो एक घंटा बाद ही जाना घर को नहीं मैं एक फिक्र दे रहा मैं एक सोच दे रहा जरा अपना जहन रख के सुनो यहां पर अगर इस सवाल का को कोई जवाब दे देना मैं आपको हजार रुपये यही दूंगा एक गाली नहीं दी अल्लाह के रसूल फिर आखिर इन्होंने क्यों कहा गाली दे रहा है तुम्हारा भतीजा इसको रोको क्यों कहा वो तो बोले मैं कब बोला नहीं बोले वो वो तो आम बात है ना वो तो बोले वो तो सबको मालूम ना गाली कहा भाई कहा हाँ, कौन बोले क्या बोले कौन अब वो बात का बात तुम्हें मैं मिल को अलग जाकर होटल में फैसला करेंगे झूठ बोलेगी सही बोलेगी, बोलेगी। हाँ? तो बराबर ही वही बराबर मैं बोला है ना हमारे दिन में आगे बोल को मैं बोल रहा हूं कि गाली जो बोले कहां दिए गाली वो किसे गाली बोले उन्होंने हज़ार रुपए का पत्ता हो ना मैं तो दो हज़ार की नोट दे तू नहीं हमारा जहन काम नहीं करता था देखो एक अहम तरीन नुकता मुझे समझाना था इसी वास्ते मैंने इस पर आप लोगों को जरा सा वक्त लगाया हालांकि मेरे पास बहुत कम टाइम है मैं हमेशा लंबा सोच के आता हूं सीरत का एक अहम तरीन मवाद लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है वक्त की कमी की वजह से मैं उसे अधूरा ख़त्म करता हूं लेकिन फिर भी इस नुक्ते पर एक दो मिनट कायकू लगाया इसी वास्ते लगाया अल्लाह के रसूल ने कोई गाली नहीं दी अल्लाह के रसूल ने हकीकत बताई कि ये बुत सुनते नहीं हैं ये बुत असल में तुम्हारी किसी बात का नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते इसी बात को उन्होंने गाली कहा जैसे आज हमको कहते हैं ये अलिया के गुस्ताख हैं ये गौसे आजम को मानते नहीं हम नहीं मानते हम नहीं मानते तो दुनिया में कोई नहीं मानता हम मानते हैं हम हकीकत बताते हैं कि देखो वो अल्लाह के वली तो हो सकते हैं वो नेक बंदे तो हो सकते हैं लेकिन वो नफ़ा व नखरान का इख्तियार नहीं रखते वो तुम्हारी पुकार को सुनते नहीं हैं इसी को हमको क्या कहते हैं ये बदब् आज के गाली कहते हैं ये गुस्ताख अलिया है ये अवलियों को गाली देते हैं कौन बोलतावलियों को कब गाली दिए हम कौन से वलियों को गाली दिए बताओ ज़रा तुमने जितने गालियां अपने खुद के वलियों को दिए हैं हमने उसके जरा बराबर भी एक जर्रा भी हमने उसकी मुखालिफत नहीं की है हाँ, तुमने जैसे जैसे इल्जाम उन पे लगाए हैं हम तो उनकी तारीफ करते हैं अब्दुल कादर जिलानी रही बोलते हैं हम भी हम कब बोले हम ये बोलते हैं कि जो तुमने रखा हुआ है कि वो सुनते हैं उनके अंदर इख्तियार है वो बचाते हैं ये तमाम चीज़ें हकीकत नहीं है तो इसी को ये बदबक बोलते हैं कि ये अलिया के गुस्ताख है ये अवलिया गाली देते हैं यही हालत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत को एक गाली भी नहीं दी थी अल्लाह के रसूल ने हकीकत बताया कि देखो ये तुम्हारे महबूद जो हैं ये मिट्टी के पुतले हैं इनको कुछ समझ नहीं आता तुम अगर पुकारते रहोगे तक भी वहुम अन दुआइहिम गाफिलून वो गाफिल पड़े हुए हैं उनको पता भी नहीं है कि तुम उनको पुकार रहे हो तुम ही हाथों से बनाते हो तुम ही पूछते हो इस मामले में तुम्हारी अकल कहा गई तो ये बतम कहने लगे कि हमारे आलिया को ये गाली देते हैं। ये मसला समझो अच्छी तरह आज हम पे जो इल्जाम है कि हम कभी किसी वली की नहीं की, की बेइज्जती नहीं की तो एहतराम है, है हर दरगाह पे लिखा हुआ होगा आगाह हो जाओ अल्लाह के वाली अल्लाह के दोस्त वो हैं जिनको ना कोई खौफ होगा ना कोई रंज होगा हम भी कहते हैं जी हमारा भी ईमान है लेकिन कौन सा वाले नंगा बाबा मूतले को फिरता ना उन्हें बाकायदा जाके उसका मैंने अपनी आंखों से वो वीडियो देखी देखा गदन के अंदर लर्जा तारी हो जाता है कितना बदतरीन शिरक है हिंदुओं से भी बदतर हो गए वो भी शर्मगा को पूछते हैं लिंगम बोलते ना क्या है क्या लिंगम है असल में हा? लिंग असल में वही है शर्मगाह को पूछने वाली कौम से बदतर होकर पेशाब पीने वाली कौम बन गई है इस हद तक गिर गए और तभी भी हमें क्या है जरा बराबर भी एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं बस हम जरा दो तीन आदमी तोहेद वाले बन गए मसला खत्म अल्लाह अल्लाह खैर सला मेहनत क्या जी कर रहे हैं मर मिटो इस तोहहीद पर ना मर मिटे तो फिर कब मरेंगे बिस्तर पे कुत्ते की तरह जान देंगे تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا ها खिलाओ पिलाओ तब भी जुबान लटकाए रहे पैसा छोड़ दो जब भी जुबान लटकाए रहे यही हालत होती है काफ़िर कौमों की यही हाल हमारा भी हो गया दुनिया दुनिया कमाओ जमाओ कमाओ जमाओ कितना भी जम गया फिर भी हास फिर भी हिर जाती नहीं यहाँ तक के कबर के गोर कबर तक खबर के गढ़े तक पहुँच जाते दुनिया में क्या हो रहा है अल्लाह के साथ अल्लाह को गालियां दी जा रही हैं शिर्क के जरिए हम खामोश बैठे इसीलिए अबू तालिब ने जब बुलाया कहा कि ये लोग आए हुए हैं और कहते हैं कि हमारे आलिया को ये लोग गाली देते हैं आप फिर इसके बाद उन्होंने बड़ा प्यारा दर्द भरा जुमला कहा जो उनके अंदर का एहसास भी क्या है उजागर कर रहा है कहा कि भतीजे मेरी हड्डियां भी कमजोर हो गई उस वक्त कम अज कम अस्सी साल के थे अबू तालिब मैं पहले जैसा तुम्हारे साथ मदद नहीं कर सकता साथ दे नहीं सकता मैं भी बूढ़ा हो गया अब ये लोग मुसी हैं कि अगर आप दावत नहीं छोड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कर देंगे कत्ल कर देंगे मार देंगे इस वास्ते तुम इस दावत को छोड़ दो बखिया दूसरा जो भी पूछते वो अरेंज करके देने वाले हैं तुम जो मांगो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में तारीख़ सास जुमले कहे जो सीरत निगारों ने सब्त कर दिए क़ियामत तक के लिए कहा कि ये तो ज़मीन की चीज़ों की बात करते हैं मैं तो कहता हूँ अगर ये सीधे हाथ में चांद और बाएँ हाथ में सूरज रख दें फिर कहें कि मुझे दावत छोड़ दें तो मैं दावत छोड़ नहीं सकता ला इलाहा इल्लल्लाह की यहाँ तक के अलबा अल्लाह गलबा कर दे या नहीं मैं इसी राह में शहीद हो जाऊँ और चचा जान आप भी सुन लीजिए आपकी मदद अगर है अल्हम्दुलिल्लाह है तभी भी मैं करता रहूंगा आप अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं मेरा रब मुझे काफी है अबू तालिब की आंखों में आंसू आ गए कहा कि भतीजे मेरा मतलब यह नहीं था बस मैं डर रहा था कि यह कोई तकलीफ ना पहुंचा दे तुम्हें जाओ अगर अबू तालिब के जान में जान बाकी है तब तक मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा तुम जो चाहे करो जब ये स्कीम फेल हो गई तो दूसरी स्कीम ले आए उन्होंने कहा कि अच्छा आपको एक नौजवान एक सुलझा हुआ एक मालदार एक ऐसा भतीजा चाहिए जो मोहम्मद जैसा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा करते हैं कि हम ला के खूबसूरत तरीन जवान आपके हवाले कर देते हैं आप मोहम्मद को हवाले, हमारे हवाले कर दो हम मोहम्मद की गर्जन उड़ा देंगे और आप अपनी खिदमत के लिए इस बच्चे को अब वो तालिब ने कहा कि अजीब बात करते हो दुनिया में कभी किसी ने यह नहीं कहा होगा मैं अपने लख्त जिगर को पाला पोसा और मेरे भतीजे से मुझे मोहब्बत है मैं तो इसको हवाले कर दूं कि तुम कत्ल कर दो तुम किसी ऐरे गैरे नत्त खेरे को लेके आओ मेरे पास और मैं उसको पालू पोसूं क्या तुम्हारी अकल खराब हो गई है यह कैसी स्कीम है जो तुम ला रहे हो मैं क्यों अपने बेटे अपने भतीजे को तुम्हारे हवाले कर दो उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम आगे बढ़ के नहीं रोकोगे तो हम किसी न किसी तरह उन्हें कत्ल करके रहेंगे जब अबू तालिब ने देखा कि मैं अकेला सपोर्ट करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को बचा नहीं सकता हूं तो उन्होंने क्या किया एक मरतबा सबको जमा किया जो खानदान वाले थे खास तौर पर बनो हाशिम के जिसमें काफिर भी थे मुशरिक भी थे सब थे सिर्फ खानदान के रिश्तेदारी के बुनियाद पर जमा किया सबको पूरे बनो हाशिम जमा हो गए और बनो मुत्तलिब भी जमा हो गए ये दो कबाइल जमा हो गए कुरैश के मुकाबले में क्योंकि ऊपर आप जाए ना जी कुरैश भी इन्हीं के अंदर आते हैं लेकिन बाद में कबीले और बढ़ते चले गए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन खुसई बिन क़िलाफ बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर ये फहर है ना इन्हीं का असल नाम कुरैश है इन्हीं का असल नाम यहीं से कुरैश कबीला शुरू हुआ फिर बाद में बटता गया बटता गया बटता गया बटता गया तो अलग अलग हर भाई हर बेटे का एक कबीला बन गया वैसे ही अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम का एक कबीला बन गया मुत्तलिब का एक कबीला बन गया तो हाशिम के कबीले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए अबू तालिब मुत्तलिब के कबीले में थे तो उन्होंने क्या किया इन दो कबाइल को जमा किया हाशिम और मुत्तलिब को अब ऊपर के जितने कबाइल थे वो पूरे अभी कुरैश के मुखालिफत में थे हाँ मुत्तलिब बिन हाशिम मनाफ, पुसई किलाब मुर्रा काब लुबई गालिब फ़हर ये पूरे अभी मश्रकी ये पूरे एक तरफ़ जमा हो गए थे अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में ये दोनों खा व काफिर हो या मुसलमान अबू तालिब की बात मान के आ गए थे अब जब ये इकट्ठा हो गए तो उन्होंने कहा कि देखो भाई जब से नबोत और रिसालत का ऐलान हुआ और इन्होंने दावत तो शुरू की मैं अकेला सपोर्ट कर रहा हूँ और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया हालांकि ख़ानदान के लिहाज से तो कम अज़ कम तुमको सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि वह कबायली ज़िंदगी थी कबाइल में क्या होता था ये नहीं देखा जाता था कि यहरा है ये आरा है ये फलां है ये नहीं असल देखा यह जाता था हमारे ख़ानदान का है हम सपोर्ट करेंगे वो सही है गलत है वो अलग मसला था तो उस हैसियत से अबू तालिब ने जमा किया और कहा कि देखो जैसे मैं अपने भतीजे को कर रहा हूं वैसे आप सब लोग भी करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं हम आपने अब तक हम लोगों को बुलाया नहीं हम नहीं आए अगर अब मोहम्मद और रसोल्ला को ख़तरा है यानी उनके नज़दीक मोहम्मद रसोल्ला नहीं मोहम्मद इबन अब्दुल्ला उन्होंने कहा कि मोहम्मद इबन अब्दुल्ला को खतरा है हम सब जमा होते हैं हम सबको क्या है आप बुला सकते हैं हम मुखालिफत में खड़े होंगे अगर कोई कुरैश का बंदा आंग भी उठा के देखेगा तो हम भी दरअसल क्या करेंगे उनसे लड़ेंगे जब यह बात तय हो गई तो ये बाकी कबीले जो कुरैश के थे उन लोगों को मालूम हुआ तो उन लोगों ने मीटिंग की जिसमें सबसे पहले सर फहरिज अबू जहल भी था ये बदबक हाशिम खानदान से सिर्फ एक बदबक है जो अल्लाह के रसूल सल्ला वम की सपोर्ट करने से इनकार किया वो अबू लहब था उसने कहा कि मैं इस मुआवदे में नहीं आता मैं अबू तालिब की बात मानूंगा नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमको क्या करना चाहिए कुरेश के कबीले जो कह रहे हैं वैसे इनको उठा के हवाले कर देना वो जो चाहे करे हजरत अबू तालीब ने कहा कि तेरी सपोर्ट नहीं है तो तू जा निकलती तो इस हैसियत से वो अलग हो गया वो उनके साथ मिल गया अब वो पूरे खानदान वाले इधर बैठ के जमा किए उन्होंने कहा कि देखो अबू तालिब ने अब अकेले सपोर्ट नहीं हमने कहा कि अकेला जो सपोर्ट है वो भी छोड़ दो अल्लाह के रसूल को हवाले कर दो इन्होंने उल्टा क्या किया अकेले सपोर्ट में थे लेकिन अब क्या करे हैं बनु मुत्तलिब को और बनू हाशिम को सबको जमा कर लिए हैं तो क्यों नहीं हम नहीं जमा होना तो वो सातों आठों कबीले कुरैश के जमा हो गए उन्होंने कहा कि हम भी दरअसल क्या करेंगे मुखालिफत पर अब अकेले अकेले कर रहे थे ना अब हम सब मिलकर मुखालिफत करेंगे क्या करेंगे सोचा गया क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि एक मुआहदा लिख के रख अग्रीमेंट बना के हम काबे में लटका देंगे उसमें क्या होगा उन्होंने लिखा बिस्मिल्लाह ही ताला देखो अल्लाह को मानते थे वो उन्होंने किसी बुद्ध का नाम नहीं लिखा बिस्मिल्लर रहिम ही की तरह बिस्मी ही था अल्लाह के नाम से अल्लाह को मानते थे बिगड़े हुए मुसलमान जैसे आज हैं वैसे ही थे वो भी मिलत इब्राहिमी को मानते थे अल्लाह को पुकारते थे हज करते थे उमरा करते थे सब करते थे लेकिन तौहीद पसंद नहीं थी अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते थे जैसे आज दरगाह झंडा बंडा ओसे आजम फला अली हजवे बाबा ये जितने मिला के आज अल्लाह को पूछते हैं ना यही हालत थी उन लोगों की भी वो भी दीन इब्राहिमी कहते थे मानने के तो उन्होंने लिखा बिस्म ही अल्लाह के नाम से क्या बात है अबू तालिब का खानदान और बनो हाशिम के खानदान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा क्या क्या नहीं होगा हम शादी ब्याह नहीं करेंगे हम रिश्तेदारी नहीं भाएंगे हम खरीदो फरोख नहीं करेंगे हम तजारत नहीं करेंगे हम इनसे कोई लेन देन नहीं रखेंगे मुकम्मल हम बैकॉट कर देंगे सोशियल बैकाट और माशरती बेकाट इंसान को हलाके रख देता है याद रखता इंसान कई तकालीफ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन सोशल बेकाट बर्दाश्त नहीं कर सकता आज दरअसल वही डर दर है उमूमन बहुत से लोग तोहहीद को पहचान लेते हैं यहाँ आते हैं रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम होता है हक यही है लेकिन खानदान से डर जाते हैं अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा खानदान वाले हमको छोड़ दिए भाई बात नहीं किया हाँ बाप अलग कर दिया घर से निकाल दिया क्या करेंगे घर के मारे बोलते नहीं हाँ उसी तरह कई ऐसे लोग ऐसे लोग वैसे लोग है ना ऐसे वैसे नाम नहीं लेता मालूम है आप लोगों को कहाँ कहाँ इन लोगों को भी पता है तो हीद ही हक है सरात मुस्तकीम किताब सुन्नत ही हक़ है लेकिन मानते नहीं ऐलान नहीं करते हाँ ये जेब भरू मौलवी पेट भरू पीर है ना अंदर डालने वाले उनको पूछो अलग से बुला के ये फातिया वगैरह कहते भी है क्या मौलिक साहब नहीं है लेकिन हमें काम करते ना मोटवाली नाराज़ हो जाएंगे बोलेंगे उनको ही मालूम ये बेकार बोल उंगड़े वालू बोल के नहीं उनको ही मालूम आप जाके पूछो उनको अलग से बुलाओ बोला पाँच सौ रुपये तो सही सही बोलो जी ये सब हदीस में है नहीं है कह तो तुम्हें तो हज़ार रुपये दो बोल दो तो बोलेंगे उनको ही मालूम सब वो कस बोलते लेकिन डर हाँ दुनिया का डर लोगों का डर माशरे का डर ये लोग तना छोड़ देंगे यही काम इन बदबकतों ने किया उन्होंने कहा कि हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे बनू हाशिम बनु मतलब से बैकाट कर देंगे अब अबू तालिब ने सुना तो बहुत मायूसी हुई अगर ये बैकाट कर देंगे तो फिर हमारे साथ ताल्लुक कौन रखेगा खानदान कैसे जमेगा खाएंगे पिएंगे क्या तिजारत तो हम इन्हीं से करते हैं अब उन्होंने भी क्या किया लेकिन ये बैकाट रहे तो भी हम दरअसल इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाले नहीं करेंगे यानी बैकाट किस पर था उन्होंने कहा कि देखो तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ला हमारे हवाले कर दो हम कत्ल कर देंगे अगर नहीं करोगे तो हम जो चाहे करते हैं उस पर खामोश रहो वो भी नहीं उल्टा तुम हिफाजत करोगे तो हम तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे उन्होंने कहा कि चलो हालांकि अब मुसलमान हुए ही नहीं वो भी काफिर ही है लेकिन मोहब्बत का तकाजा था खानदान का तकाजा था तो वो अल्लाह के रसूल के साथ खड़े हुए कई मुश्रकिन और भी साथ में थे और मुसलमान साहबा तमाम के तमाम साथ में थे तो एक घाटी थी पहाड़ के दरमियान का एक हिस्सा था जिसे श्याप कहते हैं यानी वो वादी को कहते हैं शेब अभी तालिब अबू तालिब की वो वादी जिसमें ये घराना पूरा आबाद था उसी के अंदर महसूर हो गए यानी बाहर निकलने की भी सकत नहीं थी हो सकता बाहर निकले और ये लोग कत्ल कर दे तो उसी घाटी के अंदर महसूर हो गए पूरे बनु तालिब पूरे बनु मुत्तलिब और बनु हाशिम पूरा खानदान एक दिन दो दिन का मसला नहीं था मेरे भाइयों एक महीना दो महीना भी नहीं तीन साल महसूर रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू तालिब और इसी तरह दूसरा खानदान बनवाश तीन साल ना खाने को कुछ पहुंचता था न पीने को कुछ पहुंचता था ताजिर अगर आते थे मक्के में उतरते थे और तिजारत के लिए दुकान खोलते थे तो ये मुशरी मक्का दौड़ते भागते कहते इतने, कितने का दाम है वो कहते कि के दस दीनार तो बोलते कि हम बीस दीनार दे के ख़रीद लेते हैं लेकिन एक हब्बा एक दाना भी तुम बनी हाशिम को नहीं देना अब ताजर देखता था कि उल्टा दोबारा डबल नफा मिल रहा है तो मैं क्यों जाके अंदर उनको तो क्योंकि वो बाहर आके ले नहीं सकते थे अब ताजर बाहर का है तो उस पर तो क्या कानून लागू नहीं होता वो जाके बेच सकता था लेकिन देखता कि जब शराब से बाहर ही हमें दुगना नफ़ा मिल रहा है तो हम क्यों जाके अंदर उनको दें तो इस हैसियत से फल इस से कोई चीज सब्जी कोई दाना कुछ नहीं मिलता था और खुद बनु हाशिम के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो डबल दे के खरीद सके हत्या के हज़रत बिलाल कहते हैं कि ऐसा भी वक्त आया ऐसा भी वक्त आया रात रात गुजर जाती दिन दिन गुजर खाने के लिए एक हब्बा हमारे लिए एक दाना ना मिलता मैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में ढूंढने के लिए निकले कि कुछ मिल जाए तो एक चमड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसको धोकर हमने चबाया और वादी के अंदर जो खानदान थे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भूख की वजह से इतना रोते थे माओ के छातियों में दूध नहीं था क्योंकि खाना ही नहीं था तो दूध कहाँ से आए और वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे दूध और अपनी गज़ा के लिए इतना रोते कि वादी के बाहर तक आवाज़ आती लेकिन ये बदबक मुशरी मक्का और खुरेश को ना आता झेल रहे थे हसरत खदीजलकुबरा भी साथ में थी अबू तालिब भी साथ थे दिन दिन गुजर रहा था अजाब का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फाका कश सहाबा भी साथ में क्या अयाम थे क्या अल्लाह नहीं देख रहा था इन अय्याम में ईमान को संभालना कितना मुश्किल होता है हमारी हालत देखिए आज दिन के लिए कोई तकलीफ आए तो हम दिन को छोड़ देंगे ये लोग देखिए साल साल दिन दिन नहीं साल साल अच्छा खाना तो बहुत दूर की बात है सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के उतना खाना भी नहीं मिल रहा था सिर्फ एक शख्स था अबुल बख्तर हिशाम ये दरअसल हजरत खतीजा का एक रिश्तेदार था चोरी छुपे रात में कुछ गेहूं के दाने कुछ और जौ के दाने ले जाके वादी के अंदर उंडेल देता था एक मरतबा रात में जा रहा था अबू जहल ने देख लिया उसने कहा कि क्या हमने मुआवजा नहीं किया है तुम कैसे जाके खिजा देते हो उसने कहा कि तुम लोगों ने जुल्मन मुआयदा हमसे करवाया है मैं दिल से राजी नहीं क्या यह अच्छा है कि हमारे ही कजिन्स हमारे ही खालाओं के बेटे चचाओं के बेटे मामोजात भाई भूखे रहे और हम खाते पीछे अच्छे रहे तुम्हें अच्छा लगता है उसने कहा कि वो सब नहीं मुआयदा जो है हमारे साथ कि उन लोगों से कोई लेन देन न रखो तो उसने कहा कि अगर लेन देन न रखने का मतलब यह है कि इसे में भी नहीं कर सकते हैं तो मैं ऐसे मुआदे पर लात मारता हूं अब वो जहल से लड़ने के लिए आ गए यहां तक अल्ला के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क्या है यह बात भी पहुंची तो कहा कि यह अच्छे लोगों में से है लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया आखिर तक भी कुछ हमदर्द लोग थे उस वक्त भी चाहते थे कि यह मुआहदा टूट जाए और इन बदबकतों ने क्या किया कानून सबसे ज्यादा अहमियत कब हो जाती थी अरब में जब काबतुल्लाह में लटका दिया जाता था वो कानून की इज्जत बड़ी हो जाती थी इन लोगों ने वो सहीफा लिख के क़ाबतुल्लाह पे लटका दिया अब जो भी देखता क़ाबतुल्लाह के एहतराम की वजह से वो भी मान लेता और लटका हुआ था अल्लाह के वसल्लम के दिन गुजर रहे थे खाने पीने के लिए मुश्किलात थी एक साल गुजरा दो साल गुजरा तीन माह साल चल रहा था अल्लाहबारको वाला को फिर तदबीर सबर के साथ फल है याद रखो तो इन मालन इन तंगी के साथ तंगी है लेकिन जो सबर करते हैं फिर उनके लिए वो उत भी है फरावानी भी है सबर करके तो दिखाओ इब्राहिम का सा ईमान पैदा करो फिर आप तुम्हारे लिए गुलजार बनेगी आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा आप कर सकती है अंदाज गुलिस्ता पैदा वो ईमान तो पैदा करो पहले हम खाली चीखते हैं कि ये हुकूमत आ गई ये हो रहा है मुसलमानों पे जुलम बदलते कितने हो तुम बदल के ईमान वाले बन के तो दिखाओ फिर अल्लाह व तला के सामने मच्छर का पर भी नहीं है ये मकड़ी के जाले के बराबर भी नहीं है अल्लाह तबारक वाली के एक हुक्म में नीस्त नाबूद हो सकता है लेकिन वो ईमान तो बताओ तो ये सबर का फल था कि यहां तक के अल्लाह तबारक ने खुद मुशरिकीन के दिलों में डाल दिया सबसे पहले हिशाम बिन अमर उठा ये उन्हीं के कबीरे का था लेकिन दिल में एहतराम था इंसानियत का वो गया और एक जुहैर नामी दूसरे शख्स के पास उसने कहा कि क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि हमारे कजिन्स तो भूखे मर रहे हैं हमारे ही रिश्तेदार हैं और हम क्या है बैठे खा रहे हैं कभी आपने सोचा ने कहा कि मैं अकेला क्या करूं जी मैंने कहा कि अकेले नहीं हूं उसने पूछा फिर और कौन साथ है कहा कि मैं साथ हूं हम दो से क्या होगा तीसरा तलाश करो तो वो गया अबुल बख्तरी के पास अबुल बख्तरी जो मैं पहले ही कहा था खाना भी जाके दिया था तो उसने कहा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं उसने कहा कि अकेले नहीं है और भी है पूछा कौन मैं हूं हम दो से क्या हो सकता है उन्हें कहा कि नहीं दो नहीं है एक और भी है वो कौन है हिजाम बिन आमर कहा कि चौथा तलाश करो फिर गए तो चौथा तलाश किया चौथे ने कहा मैं अकेला क्या कर सकता हूं उसने पूछा कि नहीं नहीं और तीन है कहा तो पांचवा तलाश करो तो पांचवा तलाश किए तो पांचवा शख्स मिल गया उसने पूछा मैं अकेला क्या कर सकता हूं तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे साथ चार हैं और तो कहा कि कल हम दरअसल आवाज उठाएंगे रात में प्लानिंग हो गई कल सुबह हरम में आए अबू जेल बैठा हुआ था अबुलहब बैठा हुआ था उतबा शहबा रबिया बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे अबुल बख्तरी शाम पहले आवाज़ लगाई उसने कहा कि ये क्या सलूक तुमने कर रखा है क्या इंसानियत के खिलाफ नहीं है कि हम दरअसल खाते पीते रहे और हमारे ही कजिन्स हमारे ही बेहतरीन साथी भूखे मर रहे हैं वहाँ पर कि बिल्कुल गलत है इस तरह का काम करना नहीं चाहिए अबू जहल ने कहा कि तो झूठ बोलता है हमने जो किया है सही किया है तो अचानक दूसरा बंदा जो था हिशाम बिन अमर उसने आवाज लगाई नहीं तू झूठ बोलता है हमने दरअसल खिलाफ करना है तो दो बजे लड़ाई होनी चाहिए लेकिन खाना और पानी बन करना अच्छा नहीं है तो तीसरे ने आवाज लगाई चौथे ने आवाज तो अबू जहल ने कहा अच्छा ये प्लानिंग तो कहीं दूसरी जगह की गई है वो बड़ा जैरक था शैतान था लेकिन बड़ा जैरक था हाँ आज के शैतान भी बहुत जहीन होते हैं हाँ। उसने कहा कि ये प्लानिंग तो कहीं और जगह बनाई गई है या नहीं हुई है एक साथ पांचों एक ही बात कर रहे हैं अभी ये बातें चली रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तालिब ताली हरम में लोग बैठे हुए होंगे उनको खबर दीजिए मेरे अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि जिस सहीफे को तुमने लिखा मेरे ख़िलाफ़ के बेकाट करेंगे शादी ब्याह ना करेंगे लेन देन ना करेंगे तिजारत न करेंगे अल्लाह ने उसे दीमक भेजा और दीमक ने वो तमाम अल्फाज चाट लिए सिर्फ जहां अल्लाह का नाम बाकी है वो बाकी है बकिया तमाम अल्फाज मिट चुके हैं ये मेरे अल्लाह ने मुझ पर वही की आप जाके कहिए कि तुम खोलो उस शहीफ़े को और देखो अगर मैंने कहा है वो सही है तो फिर ये बाई ख़त्म करो अगर सही नहीं है तो जितना चाहे तुम कर लेना झुलुम मेरे ऊपर अबू तालिब बाहर निकल के आए लोग हैरान थे कि क्या है शेब से कभी नहीं निकले अबू तालिब तीन साल में अब यह बिल्कुल हरम में आए हैं क्या बात है और इधर चल रहा है वही बा... वही बात इधर चल रही है इधर अबू तालिब आए कहा कि मेरा भतीजा कहता है जिस शहीफे को तुमने लिखा है उस शहीफे को खोल के देखो सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी बकिया जितने जुलन तुमने अल्फाज लिखे दीमक ने खा लिया है ये मेरे बेटे को मेरे उसके रब ने उसे इतला दी है तो इन लोगों को हाथे हाथ और एक चीज़ मिल गई अबुल बख्तरीब ने हिशाम मुतम बिन आदि भागते दौड़ते गए और उस शहीफे को निकाला और खोल के देखा तो वाक़ता सब कुछ दीमक खा चुकी थी सिर्फ वो बिस्म ही था जो अल्लाह का नाम लिखा हुआ था वो बाकी था सबसे बड़ा मोजुजा सामने आया इन लोगों के तो अब तो क्या हुआ जो पांच लोग पहले से ही आवाज लगा रहे थे उनके साथ और लोग बीट गए और अल्लाह तबारक को ताला ने गोया के फतह दे दी और ये लोग बाहर निकल के आए वो सहीफ़ा चाक करके उठा के फेंक दिया गया और यहाँ तब से अहम तरीन चीज़ ये थी कि तमाम मुश्रकिन को ईमान लाने का एक अहम तरीन सबब था लेकिन ये बदबक इस निशानी को देख कर भी और जिद में आ गए इसीलिए अल्लाह कहता है वह इन रो आयतें अगर ये कोई भी आयत देख लेते कोई भी निशानी देख लेते तो सहर मुस्तमिर कहते कि ये तो सहर जदा है जादू कर दिया है कुछ ना कुछ हो गया है मानते नहीं थे तो ये दसवां साल था सात के आखिरी में गए आठ रहे नौ रहे दस रहे ये तीन साल मुकम्मल बेकार शेब अबी तालिब के अंदर महसूर रहे मुसलमान और दस नबूवत में बाहर निकले दस नबूवत का इब्तदाई जमाना था जब ये शेब से बाहर आए उस वक्त तीन साल मुसलसल खाना पानी बंद सही ग़ा नहीं ये तो दो, दोनों बूढ़े जो हज़रत अबू तालिब और हजरत खदीजतल्कबरा क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र पैंसठ साल थी अल्लाह के रसूल सलोली वसलम की उम्र पच्चीस साल थी और हज़रत खदीजतल्कबरा की उम्र चालीस साल थी तो निका हुआ था और निका के ये पच्चीस साल बाद ये वाक़ हो रहा था तो पैंसठ साल साठ पर पाँच साल की उम्र और इस उम्र में खाना ना मिले पानी ना मिले और सही तौर पर गिजा ना मिले तो बिल्कुल हजरत कुबरा बहुत कमजोर हो चुकी थी शेब अभी तालिब से बाहर निकली तो बहुत बीमार हो गई। लेकिन इस बीमारी में भी अल्लाह के रसूल को इंतहाई इंतहाई एहतराम और खिदमत में लगी रहती। एक मरतबा हजरत जबराल आए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के पास हज़रत खतीजतुल्कब्रा कुछ खाने के लिए बर्तन में लेके आ रही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल पहुँचे और कहा अल्लाह के रसूल अभी खतीजा आपके पास आएंगी आपको खाने में कुछ ले के आ रही हैं बर्तन में अगर वो आपके पास आ जाएं तो आप उनको इतलाम कह देना कि उनके रब ने उन्हें सलाम कहा है और मैं भी उनको सलाम कहता हूँ यार ज्जत मरतबे का कोई मुकाम देखो रब का सलाम डायरेक्ट जिब्राइल के जरिए और साथ में जिब्राइल दोनों अल्लाह और जिब्राइल दोनों का सलाम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ये करीब आ जाए तो मेरा सलाम भी कहना और उनके रब ने भी उन्हें सलाम कहा है वो भी कह देना और ये भी बता देना कि जन्नत में अल्लाह ने एक ऐसा महल तामीर किया है इनके लिए जिसके अंदर न कोई शोर होगा जिसके अंदर न कोई आवाज़ होगा मोतियों से भरा अल्लाह तआला ने उनके लिए क्या है जन्नत में महल तैयार रखा है वो भी इतला दे देना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत खतीजतलकुब्रा आई तो अल्लाह तबारक व तआला का सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाते हुए कहा कि अल्लाह ने तुम्हें सलाम कहा हजरत खतीजा रो पड़ी कहा कि वो खुद सराबा सलाम है मैं जवाब में क्या कहूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर यही आखिरी मुलाकात थी फिर उसके कुछ ही दिन बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह प्यारी और पहली बीवी खतीजा वफात पा गई यह सबसे बड़ा गम था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हजरत खदीजा की वफात अभी तीन दिन नहीं गुजरे थे अबू तालिब की भी वफात हो गई बयासी साल की उम्र थी उनकी अस्सी पर दो साल हो चुके थे उस वक्त ऐसी उम्र में वो सपोर्ट करते रहे यहां तक कि उनका आखिरी नजा का आलम आया इब्ने अब्बास वगैरह अपने वालद से रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्बास ने जब देखा अबू तालिब को वो आँखें तो कहा कि ये हाशमी ख़ानदान में निशानी है कि मौत का वक्त करीब आया है शायद अबू तालिब बीमारी से उठ न सकेंगे ऐसी हालत थी कि अबू जहल अबू लहब उदबा शेबा रबिया सब आके बैठे हुए थे महफिल में यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं अबू तालिब और बुला रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्ला वसम आए कहा कि चचा जान आप मेरे कान में भी कह दें ला कल मैं अल्लाह के यहाँ हजत करूँगा और किसी न किसी तरह आपको जन्नत ले जाने की कोशिश करूँगा वो मर्ज वफात में अल्लाह के रसूल को यूं तकने लगे एक यास से एक एहतराम से एक अफसोस से शायद वो कह देते लेकिन अबू जहल ने नारा लगाया कि अबू तालिब क्या तुम आखिरी वक्त में अपनी मिलत से फिर जाओगे बस ये कहना था कि अबू तालिब ने कहा कि भतीजे ये मरने के बाद मुझे ताना देंगे कि अबू तालिब मौत से डर गया है और अरब ताना कभी बर्दाश्त नहीं करता वास्ते मैं तेरी बात नहीं मान सकता और आखिरी अल्फाज जिस पे वफात हुई वो अल्फाज थे कि मैं अब्दुल मुतलिफ के दीन पर फिर मर गए ला इल्ला ना लाला इस्लाम कबूल न किया रनजगम से अल्लाह के रसूल सल वसल्लम का सीना भरी हो गया अफसोस हो रहा था वो चचा जिसने मुझे पचास साल अपनी मईत में रखा बेटों से ज्यादा चाह लेकिन आज मैं उनको बचा ना सका ला इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान नहीं हुए कहा कि मैं जरूर इस्तिगफार तो करूंगा अल्लाह ने आयत उतारी इन नदीम देखो अल्लाह के रसूल आप जिसकी मोहब्बत करते हैं आप हिदायत नहीं दे सकते वाला अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है हिदायत देना आपका काम नहीं है हिदायत का रास्ता बताना आपका काम है तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने कहा कि मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा तो तौबा की यह आयत नाज़िल हुई माँ तब अबीद नबी और मोमिन के लिए यह सजावार नहीं है क्यों मशरकिन के लिए इस्तिग़फ़ार करें खा वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ये तौहीद और शिर्क का फर्क मेरे मुसलमान भाई अपने वालदे अपने भाई बंदों के साथ अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अगर तुम्हें मोहब्बत है तो इस वास्ते देखो कि वो तो पे आ गए हैं या नहीं है अभी दरगाहों का चक्कर काट रहे हैं अभी शर्क में मुबतला हैं और आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह की कसम आप अपने वालदे और भाई बहनों से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं आप उनके लिए रोते गिड़गिड़ाते तरसते उनके हाथ पकड़ लेते हैं कि बाबा जान अल्लाह के लिए तो ईद आ जाओ मर गए तो फिर मैं इस्तेफाल भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल को इजाजत नहीं तो फिर किसे इजाजत अबू तालिब को नहीं ले जा सके कहते हैं कि वली के दामन पकड़ के जाएंगे अल्लाह के रसूल शिफात नहीं करेंगे क्या अगर शफात जायज हो जाती तो खुद अबू तालिब को ले जाते अल्लाह के रसूल सल्लास हज़रतमर ने पूछा कि इतना सब कुछ साथ दिया अबू तालिब ने आपका आपकी वजह से क्या हुआ अल्लाह के रसूल सल्ला वल्म ने फरमाया अगर मैं ना होता तो जहन्नम के सबसे निचले गड़े में होते लेकिन जो कुछ उन्होंने मेरे साथ हुसन सलूक किया इस वास्ते जहन्नम के ऊपर सबसे कम तरीन अजाब में होंगे कि उन्हें के जूते पहनाए जाएंगे जिससे उनका दिमाग खवल रहा होगा लेकिन जहन्नम से निकालने जाएंगे क्योंकि अल्लाह ने जहन्नम उनके लिए लिख दिया है जो मुशरक है हा इन्ह हूं मशरिक बिल्ला हरम अल्लाह अलैहिल जन्ना जो कोई शिरक करता है अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देता है शिरक में मर गए आप आ गए आप तो में आ गए अपने अतराफ में देखो अपने वालदेन से मोहब्बत है अपने अकरबा से मोहब्बत है अपने भाई बहनों से मोहब्बत है अपने जचाजात लोगों से मोहब्बत है अपने कजिन से मोहब्बत है तो देखो वो तो पे है या नहीं दरगाहों का चक्कर काट रहा है झंडे बंडे के सामने खड़ा हुआ है पुकार रहा है और आप अपनी जिंदगी गुजार कल मर गया याद रखो इतना भी नहीं कर सकते कि इनकी मकफरत कर दे ये भी नहीं कह सकते ये भी नहीं कह सकते दुआ भी नहीं कर सकते, सकते महफिरत की इतना बड़ा मामला है तोहहीद और शिका और ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे हिदायत दे दे जिसे चाहे गुमराह कर दे जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। मैं फला फ हमेशा खुतबे में जो पढ़ता हूँ मैं उसका मन यही है जिसके तू हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता जिसको तू सलालत दे दे उसे कोई दरअसल हिदायत नहीं दे सकता अल्लाह से हिदायत मांग लिया करो बहुत बड़ी न्यामत है आज हम मुसलमान हैं तोहीद पे हैं आज यहां बैठे दर्श सुन रहे हैं पता नहीं ऑनलाइन में कितने मेरे मुहिब्बिन सुन रहे हैं उन सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उन्हें तोहहीद की नेमत दे दी अगर तोहैद नहीं तो याद रखो अबू तालिब भी जन्नत ना जा सके हजरत इब्राहिम के बाप जन्नत ना जा सके हाँ नूह का बेटा जन्नत न जा सका في رواية موجودة إلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه آزر قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه إنك لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة فأي خزي أغزى من أبي الأبعد فيقول الله عز وجل يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आज़र क़यामत के दिन अपने बेटे इब्राहिम से मुलाकात करेगा यलका इब्राहिम व आजम इब्राहिम अपने बाप आज़र से मुलाकात करेंगे कब हशर के मैदान में होकर हो रहने वाला वाक है अल्लाह की कसम मेरे बैठने पे मुझे शक हो सकता है इस वाक्ये पे मुझे कोई शक नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लका इब्राहिम आजर इब्राहिम अपने बाप आजर से मुलाकात करें पूछेंगे उस कतरा व खबरतुन उसका चेहरा जिल्लत से सिया हो चुका होगा जहन्नम के अजाब के डर से मारा मारा फिर रहा होगा आजर तो हजरत इब्राहिम पूछेंगे अलम अकुल अकला मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरी नाफरमानी ना करना तौहीद तो को अपना लेना आजर कहेगा कि इन कला आज नहीं करूंगा नाफरमानी इब्राहिम कैसे भी बचा ले आज आज मुझे, मुझे मालूम हो गया कि मैं जहन्नम जा रहा हूं आज तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा वो खलील रहमान वो अल्लाह के बंदे जिनके दुआ से मोहम्मद रसूल सल्लासम सल आए वो इब्राहिम जिनको अल्लाह ने कहा के बत्त इब्राहिमा खलीला मैंने खलील बनाया जिगरी दोस्त बनाया वो हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं हशर के मैदान में यार रब म्यबिल तेरा वादा है कियामत के दिन तो मुझे रसवा न करेगा आज मेरे बाप की दूरी से ज्यादा कौन सी रसवाई हो सकती है बाप जहन्नम जा रहा है मैं जन्नत जा रहा हूँ ये रसवाई तो है इस रसवाई से बचा लेना कि आज मैं दुआ कर रहा हूँ कि बखश्श के मेरे बाप को भी साथ में भेज दे अल्लाह कहेगा ब्राहि क्या तुम्हें मालूम नहीं है इन्नी हर्रम जन्नत अल काफ़िरीन हमने काफिरों पे जन्नत हराम कर दी तुम्हारी दुआ रद्द कौन सा वली के कौन से दामन पकड़ के जाएंगे इब्राहिम की दुआ रद्द अलैहिस्सलाम तो अल्लाह कहेगा नहीं दुआ रद्द तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा बाप मुशरिक था तौहीद पे नहीं था हर्रम जन्नत अल काफी हाँ अल्लाह के रसूल सल्लासम कहते हैं कि कहेगा या इब्राहिम माता तरी चले इब्राहिम तुम्हारे पाओ के नीचे क्या है फयंदुर जैसे ही वो देखेंगे फरमाया के आजर के आजर के शक्ल में जहनम में डालने में और दुख हो सकता था इब्राहिम को तो अल्लाह तज्जू की शक्ल गीदड़ की तरह एक जानवर जिसे बज्जू कहते हैं तो आजर को बज्जू की शक्ल में बना देगा और वो खून में लतपत वहां पर पड़ा हुआ होगा हजरत इब्राहिम के पांव तले तो अल्लाह कहेगा या इब्राहिम माता तरीज ले। देख तुम्हारे पांव के नीचे क्या है जैसे ही वो देखेंगे वो खून आलूद बज्जू गीदड़ को पाएंगे और अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कि इसके पांव को उठाकर भैया खुद वकवा में उठा के जहन्नम में फेंक दो हाजर इब्राहिम के सामने शिरक को अल्लाह माफ नहीं करता दूसरा हर गुना माफ हो सकता है इसी वास्ते अबू तालिब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बचा सके इब्राहिम अपने बाप को ना बचा सके नू अपने बेटे को ना बचा सके हाँ लू तो अपनी बीवी को ना बचा सके कोई रिश्तेदारी काम नहीं आती है शिरक के मुकाबले

अ भाई कौन है सामने छोटा बच्चा कौन वो भी बुलाओ इसे नहीं नहीं उससे छोटा वहाँ है देखो एक यहाँ है ना जी बाजू और एक हाँ बेटा ओ हाँ। उठाओ कौन सा तभी एक लो जाओ काम होगा तुम्हारा जाओ माशाल्लाह विंते मुनीर चेन्नई वाले आए हैं आज का इनाम माशाल्लाह चन्नई ही के हैं और इबिन तहवा ही आए हैं आज भी वैसे भी हर मामले में औरतान भी सामने हैं अब क्या भी कर नहीं सकते हमारे नौजवान खाने पीने में जाते खाली खैर देखेंगे कल कौन आता है हो गया अलहमदल चलो भाई सुबह ना अभी हमदी कशदी